इरा ने सारा नाश्ता जो है वो पैक करके रखा हुआ है। जो हमने नाश्ता आप ही के लिए सही वाला तैयार कर रहे हैं वो है मम्मा का पराठा और विद साग, जो आप ही डेली आकर कहती थी मम्मी नाश्ता, तो उसको मम्मी के हाथ का जो हमारा फेवरेट साग है ना वो बहुत पसंद है। तो ना हमने सरप्राइज देना है कि आज भी साग ही चलेगा, आज भी साग ही चलेगा, बर्फ बना हुआ है मम्मा। इस दिन हमने उसे बहुत ज्यादा मिस किया क्योंकि आस्ता आस्ता हो सकता है इतना नहीं करें, लेकिन इस दिन मुझे लिटरली बड़ी याद आई है, इसलिए मैंने कहा आज इसको मैंने साग पराठा ही खिलाना है जाके अपने हाथ पर। जरा तड़का वड़का भी लगा देना और देसी घी भी ऊपर आपने मजे का रखना है। मम्मा साग, ये साग तो बट्टा बना हुआ है, ये केक कट रहा है, साग कट रहा है, साग काट रहा है। ये देखे हमारा साग खत्म नहीं हुआ अभी तक, फ्रिज में रखा है, जब हमारा दिल करता हम साग निकाल के खाते। तो मम्मा मैं साग जो है वो प्लेट में डाल के ले आई हूँ, इसको तड़का लगाएं और मजे मजे का बनाएं। आज देखते हैं कि आप ही के पराठे में हमेशा आप इतना बड़ा सुराख कर देती थी और हमेशा आपको कहती थी मम्मा मेरे पराठे में इतना बड़ा सुराख क्यों होता है। ठीक है, अब जो है ना देखते हैं कि आज उसमें सुराख होता है कि नहीं। लेट्स सी। टक टक टक, पराठा बन रहा है, मम्मी के हाथ का नाश्ता नाश्ता। आज नहीं ना हुआ पराठे में सुराख, देख ये होने वाला है शायद। नहीं नहीं हुआ आज, इकरा सुराख नहीं हुआ आज, तुम नहीं हो ना, नहीं हुआ तुझे देख के सुराख मम्मा तुम इसलिए नहीं हुआ, आप ही होती तो होना था कि जब हम सारी चली जाएंगी फिर तो आपकी नाश्ता बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाया करेगी, फिर आप किसको पराठे बना बना के दोगी, नाश्ता करवाओगी, फिर तो हम अपने अपने घरों में चले जाया करेंगे। बच्चे हमारे बच्चों के बच्चे होंगे ना मेरे पास, नहीं नहीं वो आके कहेगी नानी नाश्ता। नाश्ता इतना साफी के लिए लेके जाते हैं, मतलब साल वालों ने कहना है कि आज ना अम्मी आज भी साग ही लेके आ। हाँ ये सिर्फ आपी के लिए, बेस्ती नहीं करवानी, चलो अपनी बेटी को ही खिलाना है। टमाटर और अदरक का सॉरी टमाटर डालती हूँ मैं, उसमें इतना अच्छा